कैसी कैसी मीम आती है यार मेरे पास भाई, हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा यार। सही बात है। हाँ तो खैर गाइस, अभी हंसी मजाक छोड़ो, अभी हम लोग वीडियो में जरा सा कंसंट्रेट करते हैं। हाँ भाई, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो है। मगर क्यों? क्योंकि भाई आज मैंने सारे ही टॉप इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन कवर कर रखा है। जैसे कि गाइस देखो, आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले स्पेशल गोल्ड रॉयल के बारे में बताऊंगा। और हाँ, मैं आप लोगों को आज बस एक स्पेशल गोल्ड रॉयल ही नहीं बल्कि दो दो अपकमिंग स्पेशल गोल्ड रॉयल के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे इतनी जल्दी धक धक क्यों हो रही है? अभी तो और भी बहुत सारे इवेंट है। जैसे कि गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले दिवाली पास इवेंट के बारे में बताऊंगा। हाँ यार, दिवाली पास इवेंट कब आएगा, दिवाली पास इवेंट में कौन से आइटम आएंगे, सब कुछ आप लोगों को आज ही की वीडियो में पता चलेगा। देन तो गाइस आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि जिस दिन हमारा ओबी अपडेट आएगा उस दिन मैं आप लोगों को हमारे गेम की फाइल के अंदर से एमएस धोनी सर के कैरेक्टर का रिव्यू भी करवाऊंगा। तो इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले थाला कैरेक्टर यानी कि एमएस धोनी सर के कैरेक्टर का भी रिव्यू करवा दूंगा। इसके बाद तो गाइस आज की वीडियो में टुनाइट अपडेट का इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ और भी कुछ छोटे बड़े से फ्री इवेंट है, वो सब का इन्फॉर्मेशन भी मैंने आज ही कवर कर रखा है। और हाँ गाइस, इस फ्री रिवॉर्ड से भरे हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के काफी सारे फनी फनी कमेंट्स को भी पिक कर रखा है। इसलिए गाइस आज की वीडियो में बस मजा नहीं, बहुत मजा आएगा। हाँ तो सरदार, अगर अभी आपकी इजाजत हो तो हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में। जी हाँ, तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में इस पोस्टर को ध्यान से देखो, ये है गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले फ्री डिवाइन वॉरियर बंडल का पोस्टर। और एक तरीके से यार ये हमारा आज का टुनाइट अपडेट ही है, क्योंकि यार ये जो फ्री बंडल इवेंट आएगा वो कल यानी कि 1 तारीख के दिन आने वाला है। अब खैर गाइस देखो, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने आप लोगों को ये फ्री बंडल का इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया था, बट वो तो गाइस ये आज का टुनाइट अपडेट है इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में फिर से बता दिया। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये टुनाइट अपडेट का इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस फिलहाल तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक डिस्काउंट इवेंट के बारे में। जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं तो आज के दिन जब मैं अपकमिंग अपडेट्स इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट का पोस्टर मिला। एंड गाइस इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 2 नवंबर के दिन लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा। अब बेसिकली गाइस अगर हम लोग इस डिस्काउंट इवेंट के आइटम्स की बात करें तो देखो गाइस हम लोगों को लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के अंदर सबसे पहले तो ये बहुत ही कमाल का मेल बंडल देखने को मिलेगा। फिर गाइस यहां पर एक और दूसरा मेल बंडल आने वाला है, वो भी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये दोनों ही मेल बंडल काफी सही लग रहे हैं। देन देखो गाइस हम लोगों को ये दूसरे मेल बंडल के बाद यहाँ पर एक और मेल बंडल देखने को मिलेगा, जिस तीसरे मेल बंडल का नाम है किंग बॉक्सर बंडल। उम्मीद है यार आप लोगों को ये बंडल पसंद आया होगा। बाकी फिर तो गाइस हम लोगों को इस तीसरे बंडल के बाद यहाँ पर एक और चौथा मेल बंडल देखने को मिल रहा है। खैर फिर गाइस इस बंडल के बाद यहाँ पर इमोट्स भी अवेलेबल है। और यार यहाँ पर 2 इमोट है, दोनों ही ठीक ठाक है। फिर तो गाइस हम लोगों को इमोट के बाद यहाँ पर कटाना की स्किन देखने को मिल रही है, और ये कटाना का स्किन भी काफी बढ़िया लग रहा है। खैर तो गाइस देखो हम लोगों को इस कटाना की स्किन के बाद यहाँ पर एक ग्लू वॉल का स्किन देखने को मिल रहा है, और इस ग्लू वॉल के स्किन के बाद यहाँ पर एक पांडा वाला बैकपैक अवेलेबल है। जी हाँ, तो गाइस देखो एक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जितने भी आइटम्स का रिव्यू अभी मैंने आप लोगों को स्क्रीन में करवाया, ये सारे के सारे आइटम हमारे गेम के अंदर 2 नवंबर के लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट में आने वाले हैं। तो ऑलराइट गाइस, क्योंकि फाइनली मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट का A to Z सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग नेक्स्ट दिवाली पास इवेंट के बारे में। यार देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो हमेशा ही दिवाली में हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर दिवाली पास इवेंट देखने को जरूर मिलता है। जी हाँ गाइस देखो, सबसे पहला जो हमारे गेम के अंदर दिवाली पास इवेंट आया था उस दिवाली पास इवेंट का पोस्टर कुछ इस तरीके से था। देन गाइस हम लोगों को पिछले साल भी हमारे गेम के अंदर एक दिवाली पास इवेंट देखने को मिला था, जिसका पोस्टर अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। अब देखो यार मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, पिछले साल यार क्योंकि फ्री फायर बैन हुआ था इसलिए पिछली बार दिवाली इवेंट गेम के अंदर लाइट फेस्ट नाम से आया था, और हम लोगों को दिवाली पास भी लाइट पास इवेंट नाम से देखने को मिला था। बट भाई इस बार जो नेक्स्ट मंथ हमारे गेम के अंदर दिवाली पास इवेंट आने वाला है वो एग्जैक्ट दिवाली पास नाम से ही आएगा। और बेसिकली गाइस जो हमारे गेम के अंदर दिवाली पास इवेंट आता है वहाँ पर हम लोगों को 99 डायमंड लगाने पड़ते हैं, और 99 डायमंड लगाने पर हम लोगों को और 99 डायमंड लगाने पर हम लोगों को तीन तीन आइटम मिलते हैं। तो अगर गाइस अभी हम लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मंथ के दिवाली पास इवेंट के आइटम्स की बात करें तो भाई हम लोगों को नेक्स्ट मंथ दिवाली पास इवेंट के अंदर जो तीन आइटम देखने को मिलेंगे उनमें से पहला आइटम रहेगा एक सर्फबोर्ड का स्किन, दूसरा आइटम है कटाना का स्किन, और तीसरा आइटम है एक बाइक का स्किन। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक एक करके तीनों आइटम का रिव्यू
भी करवा देता हूँ। हाँ तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन में कटाना का स्किन देखो भाई, ये कटाना का स्किन सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये कटाना का स्किन हम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले दिवाली पास इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर ये बाइक का स्किन देखो भाई, ये बाइक का स्किन भी बहुत ही तगड़ा है। हाँ यार इसका कलर इसका इफेक्ट मुझे तो सही लगा। बाकी मैं आपको बताऊँ तो गाइस ये बाइक का स्किन भी हमारे गेम के अंदर दिवाली पास इवेंट के अंदर आएगा। फिर तो गाइस ये बाइक की स्किन के बाद जो यहाँ पर आप लोग ये सौ बोर्ड देख पा रहे हो, ये सौ बोर्ड भी हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मंथ आने वाले दिवाली पास इवेंट के अंदर आएगा। हाँ तो गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को तीन आइटम दिखाए, जिसमें से पहला आइटम था कटाना का स्किन, दूसरा था बाइक का स्किन और तीसरा था सौ बोर्ड। तो देखो गाइस नवंबर की 5 से 10 तारीख के बीच में हम लोगों को हमारे गेम के अंदर दिवाली पास इवेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोगों को 99 डायमंड लगाने पर बाइक की स्किन, कटाना की स्किन, साथ ही साथ सौ बोर्ड की स्किन भी मिल जाएगी। तो ऑलराइट गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मंथ के दिवाली पास इवेंट के बारे में बता दिया है, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले रिडीम कोड के बारे में। जी हाँ तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में इस पोस्टर को ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये जो पोस्टर अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो यही है हमारे गेम के अंदर आने वाले रिडीम कोड का पोस्टर। और गाइस इस पोस्टर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे गेम के अंदर दिवाली स्पेशल एक नहीं बल्कि 5-5 रिडीम कोड आने वाले हैं। और यार ये पांचों ही रिडीम कोड में हम लोगों को अलग अलग आइटम मिलेंगे। जी हाँ गाइस एक रिडीम कोड से हम लोगों को ग्रोजा का स्किन मिलेगा, एक से हम लोगों को डेजर्ट ईगल का स्किन मिलेगा। फिर तो गाइस इसके बाद हमारे गेम के अंदर रावण वाले बंडल का भी रिडीम कोड आने वाला है, ग्लू वॉल का भी रिडीम कोड आने वाला है, फीस्ट स्किन का भी रिडीम कोड आने वाला है और कटाना के स्किन का भी रिडीम कोड आने वाला है। अब वैसे यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रिडीम कोड का आप लोग पोस्टर देख पा रहे हो ये पोस्टर तो मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला, बट यार अभी के टाइम पे करीना ने इस रिडीम कोड के रिगार्डिंग अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर भी एक रील पोस्ट कर रखा है, जिस रील में करीना ने सारे के सारे आइटम दिखा रखे हैं जो कि करीना हम लोगों को रिडीम कोड के थ्रू देने वाला है। हाँ यार अभी आप लोग स्क्रीन में ये करीना की ऑफिशियल रील भी देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली गाइस वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रिडीम कोड से हम लोगों को जो भी आइटम्स मिल रहे हैं सारे के सारे आइटम्स ही बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। बट यार ये रिडीम कोड में एक ही प्रॉब्लम है, ये रिडीम कोड को गाइस हर कोई रिडीम नहीं कर पाएगा। जी हाँ गाइस इस पोस्टर में साफ साफ करीना ने लिखा है लिमिटेड टाइम 1 आवर ओनली, यानी कि यार जैसे ही करीना रिडीम कोड की अनाउंसमेंट करेगा तो उस अनाउंसमेंट के एक घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोग रिडीम कोड को रिडीम कर लोगे तो आप लोगों को रिडीम कोड रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बट आप लोग करीना की अनाउंसमेंट के एक घंटे बाद रिडीम कोड को रिडीम करने का ट्राई करोगे तो भाई तुम्हारा रिडीम कोड रिडीम नहीं होगा। हाँ भाई देखो टोटल 6 रिडीम कोड आने वाले हैं, 6 के 6 रिडीम कोड अलग अलग दिन आएंगे, बट सारे ही रिडीम कोड सिर्फ एक घंटे के लिए वैलिड होंगे। तो भाई आप लोग रिस्क मत लेना, अगर आप लोग रिडीम कोड को रिडीम करना चाहते हो तो सिंपली गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि गाइस देखो जैसे ही करीना कहीं पर भी इस रिडीम कोड को अनाउंस करेगा, हाँ यार भले ही करीना अपने यूट्यूब पे अनाउंस करे, डिस्कॉर्ड सर्वर पर अनाउंस करे, फेसबुक पर अनाउंस करे या फिर इंस्टाग्राम पे अनाउंस करे, रिडीम कोड अनाउंस होते ही सबसे पहले मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। हाँ यार 5 मिनट भी नहीं लगेगा रिडीम कोड अनाउंस होते ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करोगे तो यार वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप लोग रिडीम कोड वाला वीडियो देख के रिडीम कोड को रिडीम भी कर पाओगे। हाँ भाई मेरा गारंटी है, मैं आप लोगों को रिडीम कोड आते ही सबसे पहले रिडीम कोड दूंगा। बस अगर आप लोग रिडीम कोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। जी हाँ गाइस बात बस एक रिडीम कोड की नहीं है बल्कि यार इस दिवाली तो टोटल 6 रिडीम कोड आने वाले हैं, तो भाई चांस मिस मत करना। बाकी खैर तो गाइस उम्मीद है अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लिया होगा। तो चलो तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यार हमारे गेम के अंदर आने वाला अपकमिंग स्पेशल गोल्ड रॉयल। जी हाँ गाइस वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी के टाइम पे तो हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का ग्लू वॉल वाला स्पेशल गोल्ड रॉयल अवेलेबल है, जो कि यार 2 तारीख की रात को 12 बजे हमारे गेम के अंदर से रिमूव हो जाएगा। और भाई जैसे ही हमारे गेम के अंदर से ग्लू वॉल वाला स्पेशल गोल्ड रॉयल रिमूव होगा तो भाई वैसे ही हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये इमोट वाला स्पेशल गोल्ड रॉयल देखने को मिलेगा, जहाँ पर यार एक नहीं बल्कि 2-2 इमोट होंगे, जिसमें से एक इमोट तो है गाइस ये बॉबल डांसर इमोट, जो कि बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। बाकी तो गाइस हम लोगों को बॉबल डांस इमोट के बाद यहाँ पर कुंग फू इमोट भी देखने को मिल रहा है। वैसे यार मेरे पास कुंग फू इमोट तो पहले से पड़ा है, बट फिर भी यार मेरे पास बॉबल इमोट नहीं है, तो मैं तो यार हमारे गेम के अंदर आने वाले इस स्पेशल गोल्ड रॉयल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को भी स्पेशल गोल्ड रॉयल पसंद आया होगा। खैर वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो आज तो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले 3rd स्पेशल गोल्ड रॉयल का भी रिव्यू करवाने वाला था। हाँ यार 3rd स्पेशल गोल्ड रॉयल 9 नवंबर के दिन आएगा, बट यार क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं आप लोगों को 3rd स्पेशल गोल्ड रॉयल का रिव्यू कभी और करवाऊंगा। अभी गाइस मैं आप लोगों को एमएस धोनी सर के कैरेक्टर का रिव्यू करवाता हूँ। जी हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो गाइस एमएस धोनी सर का कैरेक्टर आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये कैरेक्टर आज ही के दिन हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हो रखा है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को एमएस धोनी सर का ये कैरेक्टर का फर्स्ट लुक पसंद आया होगा। तो ऑलराइट गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स
के बारे में जिनको मैंने कल की वीडियो से पिक कर रखा है। जी हाँ, तो गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में बंदे ने लिखा है रोज इज रेड फ्री फायर इज ग्रेट, कि रोज इज रेड फ्री फायर इज ग्रेट, सनफ्लावर इज येलो, उज्जवल भाई बफ येलो। कसम से यार क्या ही बंदा है, पहले ऐसी बेइज्जती कर रहा है फिर लिख रहा है बुरा मत मानो भाई, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। खैर ये सब छोड़ो गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कमेंट की। जिस कमेंट में बंदे ने लिखा है जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, और जो उज्जवल भाई के पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। इमोशनल डैमेज भाई, कसम से यार तुम लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है तुम सब्सक्राइबर्स मेरे हो या फिर मेरे हेटर्स हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट का पता नहीं पर मेरे सब्सक्राइबर्स जरूर बिक चुके हैं। खैर अभी गाइस ये सब छोड़ो, आप लोग स्क्रीन में अगले बंदे का कमेंट देखो। भाई कल की वीडियो में इस बंदे ने सबसे ज्यादा कमेंट करे थे और अपने हर एक कमेंट में बंदे ने लिखा था उज्जवल भाई मेरा कमेंट स्क्रीन पर दिखा दो प्लीज, इसलिए गाइस मैंने इस बंदे का कमेंट स्क्रीन में दिखा दिया है। बाकी खैर गाइस देखो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए यार अभी हम लोग आज के इस कमेंट के सिलसिले को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोग चिंता मत करो गाइस, कल मैं बहुत सारे कमेंट पिक करूंगा तो आप लोग भी बहुत सारे कमेंट करना। खैर अब मैं मिलता हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर।